फाइनली हम लोग घूमने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से मेरे प्रिंसेस को घूमने जाना था तो हम लोग जा नहीं पा रहे, तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। ए भगवती माजी, हाय करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी फ्रेंड राधा समालिया, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज एक्चुअली हम लोग एक ट्रिप के लिए निकल चुके हैं, तो उस ट्रिप के बारे में आप एक्चुअली ट्रिप पर हम लोग फैमिली के साथ में जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। और ये जगह एक्चुअली अहमदाबाद से 140 किलोमीटर की दूरी पर है, बड़ोदरा से 40 किलोमीटर दूर है, बट ये बहुत ही अच्छी जगह है। और फैमिली के साथ आप लोग जाओगे सब बहुत मजा आएगी, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छी जगह है। जैसे कि ऐसा लगता है कि हम कहीं पहाड़ी इलाके में चले गए हों, वहाँ पर प्रकृति की गोद में बैठ गए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे मतलब ऐसा पहाड़ी इलाका है, वातावरण भी एकदम शांत है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली ये जगह पे आप कैसे जा सकते हो और कितना एक्सपेंस होता है यहाँ पे। तो आप हम लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जैसे ही हम पहुँचे तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए थे, तो हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करके नहीं गए थे। और आश्रम में तो वहाँ पर टाइमिंग खाने का फिक्स है कि वहाँ पर 12:30 से 1:30 बजे तक खाना चालू होता है। कोई इमरजेंसी अगर कोई आया हो रखा है वहाँ तलक अगर लेकर पहुँच जाओ तो सबको टाइम से खाना खाना। तो हम लोगों ने पहले खाना खाया, क्योंकि लोगों ने बोला पहले खाना खा लो उसके बाद आप लोग रूम वगैरह लो। जैसे हम लोगों ने रूम लिया तो हम लोग नहाए धोए बिना गए थे, कल ब्रश करके चले गए थे, तो सीधा हम लोग नहाने के लिए चले गए, क्योंकि पीछे वहाँ पर नर्मदा नदी है। और बच्चों को बहुत इच्छा थी कि हम लोग आए हैं तो कौन सी जगह है, उन लोगों तो कुछ देखा नहीं, सीधा मंदिर देखा तो ऐसा लगा कि मंदिर में क्यों आए, तो हम लोग सीधा नदी में चले गए। तो आप देख सकते हो ये मेरी प्रिंसेस इंजॉय कर रही है, मेरी सिस्टर है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग देख पा रहे हो ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, और मैंने भी काफ़ी इंजॉय, एक्चुअली मैंने तो इंजॉय किया। मेरे साथ में मेरी जो प्रिंसेस है ख्वाहिश, उसने बहुत इंजॉय किया, वो तो नदी में से निकलने का मन ही नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था तो उसको बहुत मज़ा आई। और मेरी जो सिस्टर है उसको भी बहुत मज़ा आई, तो वो लोग निकलना ही नहीं चाहते। बाद में मैंने कहा अब चलो, खाने का भी टाइम होता है, शाम हो गई है, तो फिर हम लोग फाइनली मंदिर में आए। और वहाँ पे ये जो आपको दिख रही सिस्टर, ये यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये यहीं रहती कि यहाँ पे इनके बच्चों को भी स्टडी वगैरह कराते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर रह के और एकदम घर के जैसा खाना बनाते हैं। आप लोग देख पाओगे कि खाना इतना हेल्दी और टेस्टी रहता है कि जितना हम घर पर भी बनाते हैं ना, फिर भी उतना टेस्टी नहीं हो पाता है, क्योंकि भगवान का भोग जिसमें लगता है वो तो आप लोग खुद ही जानते हो कि भगवान का भोग तो कितना टेस्टी होता है। तो ये जो सीरा यहाँ पर रेगुलर बनता है वो महादेव को भोग चढ़ाया जाता है, और यहाँ पर रेगुलर कुछ ना कुछ लोग चेंज करके खाना बनाते, एक ही चीज़ नहीं बनाते। और ये रही महादेव की मूर्ति, यहाँ पर एक खासियत है, यहाँ पर जो महादेव की खासियत है, जो चमत्कार है, वो आप लोग सुन के है ना बहुत ही शौक हो जाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासियत है इस मूर्ति की, क्योंकि यहाँ पर हर साल ये मूर्ति एक तिल भर बढ़ती है। और हम लोगों ने यहाँ के दर्शन कर लिए फाइनली, हम लोग एक्चुअली गांव की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा गांव है। और यहाँ पर नर्मदा माता का मंदिर है, जो मैंने आपको पीछे विजिट कराया था नदी का, वही माता मतलब नर्मदा नदी क्या है, नदी है पीछे, और यहाँ पर आगे मंदिर है माता का। और यहाँ पर भगवान शंकर की भी बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, और महाकाली माता के भी है। मेरी प्रिंसेस दोनों देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी जो छोटी प्रिंसेस है ख्वाहिश समझ है, वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, और महादेव की बहुत ही भक्त है, तो उसको दर्शन करने जाना है, तो ऊपर दर्शन कर रही है। अब एक्चुअली हम लोग आगे गांव की तरफ विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे बनाना वगैरह के बहुत सारे खेत हैं जिनमें आप लोग जाके फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर वेफर वगैरह के लिए आपको केले खरीदने तो भी खरीद सकते हो, मैंगो के भी अच्छे बाग हैं। अभी सीजन चल रहा है कि आप लोग को अगर अथाना वगैरह डालना है, अगर आप लोग को उसका अचार डालना है, पिकल बनाना है, तो आप उसके लिए यहाँ से कैरी भी ले सकते हो। एक्चुअली वो हम लोग ये कैरी की विजिट करके यहाँ पर फोटोग्राफी करने आए थे, और यहाँ से हम लोग भी कैरी लेके जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर बात की है तो उन्होंने बोला है कि आप जब जाओगे तब हम आपको दे देंगे। पर यहाँ पर रियली में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ पर ऐसा प्रदूषण नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, और ये मिनिस्टर भी काफ़ी इंजॉय कर रही है। आप लोग देख रहे हो ये मंदिर भी बहुत बड़ा है और आश्रम भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे रूम हैं, आप यहाँ पे फैमिली के साथ में आ सकते हो। अब जितने भी लोग भी आओ, 1, 2, 10, 20, 100, 50, 500, 1000 लोगों तक की कैपेसिटी है, और यहाँ पे खाना भी मिलता है। अगर आप लोग ज़्यादा लोग आ रहे हो तो आपको कॉल करके
बताना पड़ेगा, 4 से 10 लोग आ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती बताने की, और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। पर पर्सन 170 रुपये ही है, 170 पर पर्सन रहने का, और उसमें रहना और खाना दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो सिर्फ खाने का हम लोगों को 200-300 रुपये एक जन का देना पड़ता है, यहाँ पर तो रहना और खाना दोनों चीज़ें आपको सिर्फ 170 रुपीस में दे देते हैं ये लोग। ये देखो, ये मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर नर्मदा माता का मंदिर है और वहाँ पर महाकाली माता का भी मंदिर है, मूर्ति रखी हुई है, बहुत बड़ी मूर्ति है महाकाली माता की, और उसके साथ साथ में वहाँ पर शंकर भगवान के भी है। क्योंकि यहाँ पर नर्मदा का मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ के पीछे की साइड में नर्मदा बहुत अच्छी नदी है, मतलब बहुत क्लीन रहती है। वहाँ पर आप लोग को या आओगे वैकेशन में तो नहाने को भी बहुत मजा आएगी। तो मंदिर बहुत अच्छा है, तो मेरी प्रिंसेस को, ख्वाहिश को और आरू को दोनों को इतना पसंद आए कि उन लोगों को कहीं और जल्दी जाने का मन नहीं था। वो लोग ऐसा बोले कि मुझे पहले वहीं जाना है और वहाँ पर थोड़ी देर एक्चुअली खेलेंगे, महादेव के पास जाऊँगी बैठूँगी। तो उन लोग को मैं दोबारा से दिन में फिर वहाँ पर लेके गई, तो आप लोग देखिए कि वो लोग विजिट करने जा रहे हैं और वहाँ पर वो लोग, उनका ऐसा है कि मैं भगवान, इन लोग को तो जाना ही नहीं है मंदिर से, घूम फिर के वो लोग नर्मदा माता के मंदिर पे आ रहे थे। तो मैं दूसरी जगह इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ फ्रेंड्स, पर आप चिंता मत करिए, मैं दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप लोग को मेरा नेक्स्ट पार्ट मिल सके।